Assalamu alaikum. I hope everybody's happy and healthy. I'm very happy today because it's the weekend. And alhamdulillah, alhamdulillah, weekends are super busy for bakers. Lekin meri khushi ko char chand lagane ke liye meri pastry lab mein aaya hai ye pyara sa cake jo ki banaya hai Tayyaba ne from Frosted Fashion. And is cake ke piche hai ek funny story jo main aapko batana chahti hu. So this happened about a week ago, theek hai? जो हमारे बेकर्स का एक ग्रुप है ना जिसमें लाइक बेकर्स आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके अंदर मौजूद हैं उसका नाम है बेकर्स बेसमेंट कम्युनिटी. तो उसकी छठी हैप्पी बर्थडे हुई थी अबाउट अ वीक अगो आई थिंक. सो हम लोग सब इकट्ठे हुए जो लाहौर में थे जो लोग आ सकते थे. सो वी वर अबाउट 100 बेकर्स. ठीक है, हमने हाउडी रेस्टोरेंट को टेक ओवर कर दिया था और बहुत मजा आया, बहुत फन था टू मीट एवरी वन. एंड वी प्लेड गेम्स एंड देयर वर प्राइजेस. एंड माइन एंड तैमूर का ब्रेन चाइल्ड है ये, सो हैट्स ऑफ टू देम के सब लोगों का उनकी अनथक मेहनत की वजह से हम सब लोग जो है वो इतना सीखते हैं एक दूसरे से एंड इतने यूनिफाइड है और वी आर एक्चुअली लाइक अ फैमिली एंड इट इज बिकॉज ऑफ देम. सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द फनी स्टोरी. सो हुआ ये कि अब सब लोग हैप्पी बर्थडे जब सेलिब्रेट कर रहे थे हम तो सब लोग अपनी अपनी एक क्रिएशन लेके गए. समबडी गॉट कपकेक, समबडी गॉट ब्राउनीज, कोई केक स्लाइसेस लेके आ रहा है, कोई टार्ट्स लेके आ रहा है, कोई कुछ इस तरह करके. ठीक है, मैं भी एक कोई क्यूट सा कपकेक टावर लेके गई थी और एक केक लेके गई थी साथ में. ठीक है, सो वो तमाम चीजें एक मुनासिब साइज की टेबल थी लेकिन ऑफकोर्स लाइक वी वर 100 बेकर्स सो यू कैन इमेजिन कितनी सारी चीजें होंगी ना. ठीक है, वो सारी चीजें हमने उस टेबल पे रखी और एक मेरा केक था और एक तैयबा का ये वाला केक था. ठीक है, उसको रखा और कहा कि हम इसको केक को कट करेंगे एंड हैप्पी बर्थडे कहेंगे. सो केक कटिंग के टाइम पे अब मैं जो हूं ना, मैंने अपने आप को पोजीशन कर लिया उस टेबल के साथ कि मैंने नहीं हिलना यहां से बिकॉज दिस इज सो प्रिटी. तो एक तो था कि काटेगा कौन, मतलब किसका दिल है इतना कि इतने खूबसूरत केक को काटे, लेकिन मुझे था मैंने भी टेस्ट करना है. सो मैं ना चिपक गई टेबल के साथ कि मैंने नहीं हिलना यहां से और धक्के पड़े मुझे पड़े क्योंकि केक काटने के बाद वही हुआ जो शादी में आवाज लगती ना खाना खुल गया है, वही हुआ उसके साथ. लेकिन आई वॉज लाइक नो, आई एम गोइंग टू टेस्ट इट. अब क्या करूं मैं, कैसे टेस्ट करूं, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि आई वॉज ऑन दिस एंड ऑफ द टेबल. ऑन द अदर एंड ऑफ द टेबल वो एक प्लेट थी जिसमें एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह जो नहीं, वो प्लेट्स और एक्स्ट्रा चम्मच वो दूसरी तरफ पड़े हुए थे और मैं यूं थी ना कि मतलब कोई मेरी तरफ देखे तो मैं उसको इशारे से कहूँ कि मुझे भी जरा चम्मच मैंने टेस्ट करना है. ऐसा नहीं हुआ, एवरीबडी वॉज बिजी ईटिंग, नोबडी लुक्ड एट मी. और मैंने यूं देखा तो ये केक जो था ना ये वाला ये हाफ हो चुका था बाय दैट टाइम. मैंने कही तो आधा तो गया तो मैं कैसे खाऊंगी. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना घूम के दूसरी तरफ आती हूँ जहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्पून और प्लेट्स पड़ी हुई है और फिर मैं वहां से अपने आप को बीच में इन करने की कोशिश करती हूँ. यूं मैं मुड़ी हूँ और मुझे और वहां पे लोग मिल गए, उन्होंने मेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी, तस्वीरें खिंचानी है, ये करना वो करना है. और बातें करते हुए मैं वापस जब मुड़ के देखा तो द केक वॉज गॉन, खत्म हो चुका था. तो आई वॉज लाइक मतलब एवरी थिंग वॉज गॉन बाय दैट टाइम, सब चट हो गया था. सो आई वॉज लाइक कि मैंने फिर तैयबा को मैसेज किया कि देखने में बहुत प्यारा था और बहुत दिल था कि मैं चखूं लेकिन मुझे मौका नहीं मिला. सो तैयबा बीइंग अ वेरी स्वीट एंजल दैट शी इज, शी सेड कि मैं आपको बना के भेजती हूँ क्योंकि आप नहीं चख सके उस वक्त. सो टडा, सो अभी आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस केक एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी मोर डिलीशियस देन इट लुक्स बिकॉज इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सुपर डिलीशियस. And thank you so much, Deva, for this beautiful cake and for being such a sweet angel. Thank you so much for this gesture. Kasam se, touched my heart. And main abhi isko kaat ke inside ki pictures bhi lagati hu saath mein. Theek hai? So I'm going to enjoy my cake from Frosted Fashion and I hope you guys have a wonderful weekend. And I